बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, सो लास्ट क्लास में हमने स्टेबिलिटी एनालिसिस किया था। इसके अलावा कोई और बताएगा स्टेबिलिटी एनालिसिस क्या होता है बेटा? स्टेबिलिटी एनालिसिस के मॉडल्स कितने हैं? सर इसके ना ये हैं चार हैं सर। चार मॉडल जी है, सर, चार चार हैं। चार मॉडल है, ठीक हो गया। तो स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंदर जो है वो हम मेनली कौन सा किस कंपोनेंट पे फोकस करते हैं वेरिएंस के? क्या बात है, बोले यार। सर वेरिएंस के कौन से कंपोनेंट पे फोकस करते हैं? स्टेबिलिटी एनालिसिस के अंदर वेरिएंस के किस कौन कौन से कंपोनेंट्स के ऊपर हम फोकस करते हैं? सर एक तो ये जीनोटाइप और इंटो एनवायरनमेंट इंटरेक्शन पे, सर ओके, इसके अलावा वो रिग्रेशन पे, ओके, इसके अलावा इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट पे फोकस नहीं करते? जीनोटाइप जी सर करते हैं। पे, जीनोटाइप जी सर, जीनोटाइप इन्वायरमेंट, जीनोटाइप इनटू इन्वायरमेंट पे भी करते इंटरेक्शन हैं और इन्वायरमेंट पर भी करते हैं। करते हैं। जी सर। ओके चले जी, तो स्टेबिलिटी एनालिसिस के हमने चार मॉडल डिस्कस किए थे, राइट? तो हमने जो जो हम एनालिसिस यूज करेंगे वो एमई एनालिसिस था, ठीक है जी। एमई एनालिसिस क्या था? AMMI, उसके मतलब थोड़ा सा डिस्कस किया था हमने। तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ एनोवा और जीनोटिपिक इनटू एनवायरनमेंट इंटरेक्शन होता है सर। वेरी गुड, एनोवा और जीनोटाइप इनटू एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है एमई एनालिसिस। तो इसके लिए हम जो जीनोटाइप इनटू एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस के लिए जो हम स्टडीज करेंगे दैट विल बी बाई प्लॉट एनालिसिस, राइट? सर तो इसके अंदर जो है बाई प्लॉट एनालिसिस जो है इसका हम करेंगे जीनोटाइप और एनवायरनमेंट, जीनोटाइप इनटू एनवायरनमेंट इंटरेक्शन का जो एनालिसिस होगा उसको हम करेंगे। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे बाइप्लॉट क्या होता है और जीनोटाइप इनटू एनवायरनमेंट का इंटरेक्शन क्या होता है, ये आपको पहले ही पता है। तो चूंकि ये जो बाइप्लॉट का मॉडल है ये मॉडल यूज करता है, ये यूज करता है जीनोटाइप और जीनोटाइप इनटू एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, राइट? इसलिए ये वर्ड जो है GGE है, GGE है। तो किस लिए है? पहला जी है जीनोटाइप के लिए और दूसरा जी है जीनोटाइप और ई है इंटरेक्शन, सो जे सॉरी एनवायरनमेंट। सो होगा जीनोटाइप एंड जीनोटाइप इनटू एनवायरनमेंट इंटरेक्शन, सो यहां से ये नाम बना है। इसके लिए जो हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे उसका नाम है GGE बाईप्लॉट एनालिसिस या GGE बाईप्लॉट सॉफ्टवेयर। तो ये आप लोगों को मैं आज दे दूंगा, ये मैंने इंस्टॉल कर लिया हुआ है। तो इसके जरिए हम इसको एनालाइज करेंगे कि इंट्रैक्शन जो है वो कितना है या बाईप्लॉट एनालिसिस क्या होता है। तो इसके पहले कि हम इस सॉफ्टवेयर की तरफ चलें, पहले हम थोड़ा सा डिस्कस कर लें कि ये जो एक्चुअली GGE बाई प्लॉट है ये करता क्या है, राइट? तो सबसे पहले तुम आपको बता दूं कि इसके अंदर जो GGE बाई प्लॉट है इसके अंदर हम दो वेरिएबल्स या हम आप कह सकते हो कि दो हमारे पास डेटा होंगे, एक तो जीनोटाइप का डेटा होगा और दूसरा हमारे पास इन्वायरमेंट का डेटा होगा, राइट? एक जीनोटाइप का डेटा होगा और दूसरा इन्वायरमेंट का डेटा होगा। सो दो तरह का हम डाटा यूज करेंगे और ये जो है एक्चुअली जैसे हम बात करते हैं
कि तीन जीनोटाइप्स को दो एनवायरमेंट के अंदर लगाया तो टोटल हमारे पास वैल्यूज कितनी आ गई? छह आ जाएगी, क्योंकि हमने तीन जीनोटाइप्स को दो एनवायरमेंट में लगाया तो छह वैल्यूज हमारे पास टोटल आ गई। ठीक हो गया जी। सो इसके अंदर हमारे पास इसका जो बाय प्लॉट का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो इसी तरह का बनेगा कि आप कह सकते हैं कि एक हमने टेबल जो है वो बनेगा जीनोटाइप का और दूसरा ग्राफ या दूसरा टेबल बनेगा एनवायरमेंट का। ठीक है जी। और उसके बाद फिर इनको हम दोनों को कंबाइन करेंगे। ये जो जीजीई बाई प्लॉट है, बाई प्लॉट का मतलब है दो प्लॉट। ठीक है जी। प्लॉट क्या होता है, जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा, चलो मैं यहाँ से आपको सब दिखाता हूँ, बल्कि ठीक है, ये देखें जरा, ये आप लोगों ने ग्राफ देखा कभी? ग्राफ देखा हुआ है? शायद यहाँ से एक ग्राफ ने ग्राफ पेपर देखा कभी? जी सर देखा, देखा। ये जो है, ये वाला जो ग्राफ पेपर है, देखा। ठीक है जी। सो इस ग्राफ पेपर के ऊपर एक्चुअली ये जो हमारा एनालिसिस है, इस ग्राफ पेपर के ऊपर एक्चुअली निकलेगा। थोड़ा सा आप रिमाइंड कर लें ग्राफ पेपर क्या होता है, उसको कैसे यूज किया जाता है। ये हमारे पास ग्राफ पेपर के ऊपर अगर हम ये लाइनें लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक ये लाइन है, माउस का कर्सर नजर आ रहा है सबको? Yes, sir. Yes, sir. Line है, इसको कौन सा एक्सिस बोलते हैं? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। और ये जो है ये क्या है? एक्स एक्सिस। ये सेंटर के अंदर इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ऐसे है ना? जी सर। ओरिजिन से अगर हम एक्स एक्सिस पर राइट साइड को मूव करें, इधर से हम ऐसा करते हैं कि एनोटेशन, ये जो ओरिजिन है ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ऐसे क्या भाई? ठीक है ना। अच्छा, अब ओरिजिन से अगर हम इस तरह को मूव करें तो ये वैल्यूज जो है कैसे इंक्रीज होंगी? 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे ही है ना? ये पॉजिटिव साइड पर होंगी, ऐसे ही है। अगर हम मूव करें तो वैल्यूज क्या चलेंगी? सेम इज द केस कि अगर वाई एक्सिस के ऊपर वैल्यूज जो हैं वो इस डायरेक्शन को जाएंगी तो क्या होगा? ये पॉजिटिव होंगी। अगर इस डायरेक्शन को जाएंगी तो ये नेगेटिव होंगी, ऐसे है ना। तो अब इस चार्ट को अगर हम देखें तो ये वाला जो ये इसके चार पार्ट हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे ही है ना? इनका क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट्स बोलते हैं ना। ये जो पहला क्वाड्रेंट है ये कौन सा क्वाड्रेंट है? इसके अंदर एक्स की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और वाई की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, ऐसे ही है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल 4, 2, ठीक है जी। ऐसे ही एक मेरे पास वैल्यू है -1, 1, ऐसे ही एक मेरे पास वैल्यू है -1, -1, ऐसे ही एक चौथी वैल्यू है 1, -4। अब ये जो पहली वैल्यू है 4, 2, ये कौन से क्वाड्रेंट में होगी? पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में? किसमें? पहले में सर, एक्स और वाई दोनों में होगी, बिकॉज एक्स भी पॉजिटिव है। आपको पता है कि जब ऐसे लिखते हैं तो पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वैल्यू वाई की। जब हम अपना एनालिसिस करेंगे PGE by plot का, तो उसमें जो पहली वैल्यू होगी वो जीनोटाइप की होगी और दूसरी वैल्यू एनवायरमेंट की होगी। समझ आ गया भाई? जी सर। जी सर। सो पहली वैल्यू है 4 यहाँ पे है
और वाई पे टू यहाँ पे, तो पहली वैल्यू का जो पॉइंट बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, ऑलमोस्ट इस जगह पे, ठीक है जी। दूसरी वैल्यू कहाँ पे बनेगी, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड पे ऑलमोस्ट यहाँ पे, ऐसे ही है ना। तीसरी वैल्यू कहाँ पे बनेगी, थर्ड में, माइनस दोनों सर थर्ड में, ऑलमोस्ट यहाँ पे, राइट। और चौथी वैल्यू जी, फोर्थ में, फोर्थ क्वाड्रेंट, ऑलमोस्ट यहाँ पे, ठीक है जी। पॉइंट समझ आ रहा है ना जी? ओके जी सर। सो अब ये तो हो गई सिचुएशन जो हमने ग्राफ की फॉर्म के अंदर जो रिप्रेजेंट करेंगे इस प्लॉट के अंदर, ये जो एनालिसिस है एक्चुअली हमें यही ग्राफ देगा, राइट। तो हमने इसी ग्राफ को देख के समझना है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे है, राइट। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात मैं आपको छोटी सी समझा दूं, वो ये है, अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ऐसे ही हमारे पास एक ग्राफ है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं फिर से एनोटेशन ऑन करता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको ऐसा ग्राफ बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये बल्कि इसको हम अगर इसको बना लें ज्यादा अच्छा हो जाएगा ताकि आपको ज़्यादा समझ आ जाए प्रॉपरली। इधर से हम ऐसा करते हैं कि एक हम नया पेज ओपन कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको ना समझ आ जाएगी आसानी के साथ। पहले हम इसको क्लियर ऑल ड्राइंग करते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एक अगर मैं यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट कर दूँ उधर से ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। ये समझिएगा ज़रा इस पॉइंट को, ये हमारे पास एक ग्राफ है फॉर एग्जाम्पल, राइट। इस ग्राफ को उसी तरीके से मैं चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता हूँ। कैसे डिवाइड करूँगा, यहाँ से मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं ड्रा टेबल कर सकता हूँ। सो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है जी। चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया ये, राइट। उसी तरीके से ये वाला कौन सा क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव, राइट। सो अब इसके ऊपर अगर मैं उसी तरीके से लिखना शुरू कर लूँ तो मेरे लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। सॉरी, स्क्रीन शेयर ऑफ कर दिया मैंने, ये आ गया। सो ये है आपका पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, राइट जी सर। जी सर, ये है आपका नेगेटिव पॉजिटिव, ये है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तरकीब से बोल रहे हैं, एक्स के लिए और वाई के लिए, ठीक है जी। अच्छा जी, अब यहाँ पे बात ये है, सबसे पहले अगर मेरे पास जीनोटाइप का, जस्ट जीनोटाइप का टेबल हो, ठीक है, इन्वायरमेंट को भी हम बात नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास दो जीनोटाइप हैं और दो ही इन्वायरमेंट हैं। पहले हम सिर्फ जीनोटाइप की बात करेंगे, अगर हमारे पास दो जीनोटाइप्स हैं तो हम दो जीनोटाइप्स को इस ग्राफ के अंदर हमने प्लेस करना है। फॉर एग्जांपल जीनोटाइप आ गई वन यहां पे, राइट, जीनोटाइप टू आ गई सिर्फ फॉर एग्जांपल यहां पे, यहां पर, ठीक हो गया जी। ये एक प्लॉट है जी सर, राइट। ऐसे ही हमारे पास एक दूसरा प्लॉट है, उस प्लॉट के अंदर हमने दोनों इन्वायरमेंट को या दोनों इन्वायरमेंट की वैल्यूज लिखी। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट वन आ गया यहाँ पे, अब ये सेकंड प्लॉट बना रहा हूं, ये आपने इग्नोर कर देना जीनोटाइप को यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे ये इन्वायरमेंट टू है, दो प्लॉट हो गए, ठीक हो गया, दो प्लॉट हो गए, ओके। अब अगर इन दोनों प्लॉट्स को मैं कंबाइन कर दूं, यानी कि एक प्लॉट के ऊपर दूसरा प्लॉट रख दूं, तो क्या होगा कि जो जीनोटाइप वाला प्लॉट है वो उसके ऊपर कौन सा प्लॉट आ जाएगा, इन्वायरमेंट वाला प्लॉट आ जाएगा। तो अब ये जो नया प्लॉट बन जाएगा,
ये प्लॉट एक्चुअली क्योंकि इसके अंदर दो प्लॉट आ गए हैं इसलिए इस प्लॉट का नाम मैं क्या रखूंगा, बाई प्लॉट। बाई प्लॉट समझ आ गया। अब मुझे ये बाई प्लॉट बनाने का फायदा क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज करता हूँ डाटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास तीन जीनोटाइप है और तीन ही एनवायरमेंट है तो मेरे पास टोटल वैल्यूज कितनी होगी भाई? नाइन। वेरी गुड, ठीक है जी। नाइन का मतलब क्या हुआ कि थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री हो गई थ्री। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे ये जो मेरे पास ये जो ग्राफ है इस ग्राफ के ऊपर मुझे कितनी वैल्यूज लगा लिखनी है, नाइन वैल्यूज लिखनी है ना? यस सर, ऐसे ही है ना, टोटल नाइन वैल्यूज प्लेस करनी है ना। लेकिन चूंकि मैंने दो प्लॉट्स कंबाइन कर लिए, अब एक प्लॉट के अंदर था जी वन जी टू और तीसरा क्या था जी थ्री, फॉर एग्जाम्पल जी थ्री यहाँ पे है, ठीक है जी। ऐसे ही इन्वायरमेंट भी थर्ड है तो ई यहाँ पे क्या आ गया, ई थ्री। तो ये तीन इन्वायरमेंट हो गए और तीन ही क्या हो गई, जीनोटाइप हो गई, ऐसे ही है ना। तो ये वैल्यूज मैंने ग्राफ के ऊपर कितनी प्लेस की है, छह प्लेस की है ना। लेकिन मुझे एक्चुअल वैल्यू जो मेरे पास ओरिजिनल वैल्यूज थी वो थी कितनी, नाइन थी ना, राइट। बाई प्लॉट बनाने से मुझे बेनिफिट क्या हो गया कि जो मुझे इंफॉर्मेशन नाइन वैल्यू से मिलनी थी वही इंफॉर्मेशन मुझे छह वैल्यू से मिल गई। कैसे मिल गई, मिली कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये जो नाइन वैल्यूज है, नाइन वैल्यूज कौन कौन सी होंगी इनका, इनको अगर मैं लिखूं जैसे हम ट्रीटमेंट को लिखते हैं तो मैं कैसे लिख सकता हूं, तो बताएगा मुझे ये G1 E1 ऐसे ही है ना, G2 E1 E1 भाई E1 पहले, उसके बाद G2 E1 G2 E3 G2 E3 E2 G3 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 E2 G3
चले दैट्स मच बेटर. क्लियर हो गया ना? अच्छा तो यहाँ तक ये बात. जी जी बोलो. जी टू इवन दो दफा नहीं उल्टा सीधा हो गया ना अभी. नो डोंट वरी अबाउट दैट. अब हमारे पास अब हम लिखा से लिख लेते हैं ना. ठीक है जी. फॉर एग्जाम्पल ये था जी जी वन ई वन. ठीक है जी. इसके बाद आ गया जी वन ई टू जी टू ई वन ई थ्री. अब जी टू की तरफ आ जाए जी टू ई वन जी टू ई टू जी टू ई थ्री. ठीक है जी. अब आगे चलते हैं जी थ्री पे आ जाए जी थ्री ई वन जी थ्री ई टू जी थ्री ई टू जी थ्री ई थ्री. अब ठीक हो गया ना. अब ये नाइन हो गया राइट. ओके जी. जो जी वन ई वन वैल्यू है ये वैल्यू मुझे कहाँ से मिल सकती है इसी टेबल में अगर मैं वापस जाऊं. ये इवन है और ये जीवन है राइट. सो इन दोनों वैल्यूज को अगर फॉर एग्जाम्पल ये इवन यहाँ पे है जीवन यहाँ पे है तो डेट मीन्स के जीवन इवन की जो कंबाइंड वैल्यू होगी वो मुझे इन दोनों से मिलेगी.
ऐसे ही है ना जी सर। अच्छा एक एक सेकंड होल्ड करना यार, मैं अभी वापस। सर चला गए होल्ड करके देना। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। ओके सॉरी बेटा जी, वो गालबस में अच्छा सिग्नल ड्रॉप हो गए थे तो अब मैंने दूसरा इंटरनेट कनेक्ट किया। अच्छा चलें जी, तो हम बात कर रहे थे, हम मैंने आपको बताया था कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये मेरा 9 वैल्यूज है ना, चलो इसको पर मैं लिख लेता हूँ सारा फिर से ताकि मैं आसानी हो जाए यहाँ से समझने की। एक्चुअली मैं बाईप्लॉट की एक आपको बेनिफिट समझाना चाह रहा हूँ या आप कह लें कि उसका ऑब्जेक्टिव समझाना चाह रहा हूँ, उसके लिए मुझे सारी मेहनत करनी पड़ गई। देखो सर, फॉर एग्जाम्पल वी हैव एनवायरमेंट वन राइट, ऐसे ही एनवायरमेंट टू, ऐसे ही ये एनवायरमेंट, या बल्कि यार मैं इसको आपको इधर से क्लियर कर देता हूँ, ज्यादा आसानी हो जाएगी आपके लिए भी मेरे लिए भी। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास देखो एक दो और तीन एनवायरमेंट है, एक दो और तीन जीनोटाइप है, क्लियर है भाई? जी सर। ओके मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास तीन एनवायरमेंट हो और तीन ही हमारे पास जीनोटाइप हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें टोटल वैल्यूज कितनी चाहिए? 9 वैल्यूज होंगी ना जी। 9 लेकिन वो जो 9 वैल्यूज हैं, उन 9 वैल्यूज की सारी इंफॉर्मेशन ये जो बाईप्लॉट है ये 6 वैल्यूज से दे देता है। 6 वैल्यूज से कैसे देगा भला? फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास E1 जीनोटाइप 1 है और ये एनवायरमेंट 1 है, हमारे पास जो पहली वैल्यू थी वो थी G1E1 की, ऐसे ही है ना? तो वो जो पहली वैल्यू है G1E1 की वो हम कैसे निकाल सकते हैं, ये G1 इस E1 में कहां पे जाके प्लेस होगा, जहां पे जाके G1 इस E1 के प्लेस होगा दैट मींस के वो जो वैल्यू है वो G1E1 की वैल्यू होगी। अब ये वैल्यू निकलेगी कैसे, उसके लिए एक फार्मूला नीचे दिया हुआ है,
ये फार्मूला यूज होगा वो मैं आपको बाद में समझाता हूँ कि ये फार्मूला एक्चुअली क्या है। यहाँ पर ये पॉइंट समझें कि जीवन ईवन की वैल्यू कहाँ पे होगी, जहां पर ये जो जीवन है ये ईवन के किस जगह पे जाके ये फॉल कर रहा है, या जीवन के जीवन या वो ईवन की किस पॉइंट पे जाके अटैच हो रहा है, दैट इज जीवन ईवन। अब अगर हम बात करें जी टू ईवन की तो वो वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो G2 है ये E1 के कहां पे जाके फॉल कर रहा है, समझाइए ना। थोड़ा सा आपने थोड़ा सा याद करना है कि जिस वक्त आप जो करते थे मैट्रिक के अंदर मैथ के अंदर जो आपके क्वेश्चंस होते थे, जो कि आप लोगों ने प्रोजेक्शंस निकालनी होती थी वेक्टर्स की, कुछ याद आ रहा है, वेक्टर्स की प्रोजेक्शंस के मुतालिक कुछ बातें होती थी, ये एफएससी की फिजिक्स के अंदर भी था, वेक्टर्स होते थे और फिर एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन कैसे आ रही है, याद है कुछ? यस सर, याद आ रहा है ना कुछ? तो ये एक्चुअली वही कहानी है कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के ऊपर एक वेक्टर की प्रोजेक्शन कहाँ पे जाके, ये पी का मतलब प्रोजेक्शन है एक्चुअली। जीवन जीनोटाइप वन है, ईवन जीनोटाइप अब एनवायरमेंट वन है, और जो पी क्या है एक्चुअली प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एक्चुअली, ठीक है जी। सो इसी तरीके से अगर मैंने देखना हो कि जो ई थ्री है वो अपना जो जीनोटाइप थ्री है वो एनवायरमेंट वन के ऊपर कहाँ पे जाके फॉल कर